युवा मोर्चा की ओर से जो है यहाँ पर रांची डीसी का कार्यालय का घेराव किया गया है। युवा मोर्चा के हमारे साथ किसले तिवारी मौजूद है। किसले, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर यहाँ धरना? आज पूरा राज्य का युवा जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से परेशान है। आज रांची महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आम युवाओं के साथ डीसी खराब किया जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो क्या हुआ आपका वादा? आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या हुआ बेरोजगारी भत्ता का वादा? आपने कहा था 2021 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा, कहा हुआ नियुक्ति का वर्ष? इतने सारे लोग जो यहाँ पे अपना स्वरोजगार करते थे, आपने फुटपाथ ही काम करने लोगों को भी बेरोजगार बना दिया। उसका परिणाम है कि मुरादाबाद में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसी तरह ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम सारे युवा मोर्चा के लोग निरंतर युवाओं की आवाज को और मजबूत करके और आंदोलन तेज करेंगे। तो और आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम देख रहे हैं कि रांची के सांसद संजय सेठ यहाँ मौजूद हैं, रांची के विधायक सीपी सिंह, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय यहाँ पर मौजूद है और सभी को जो है सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर आंदोलन करने की कमी है। वो सरकार बदलनी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यही डिमांड है। वो सरकार बदलनी है। आपको क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? तमाम जनता सड़क पे है, वहाँ नेता सड़क पे है। जब जनता के सरकार ने सड़क पे ला दिया तो नेता का देखिए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे रांची शहर में तमाम कार्यकर्ता जुट के उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। कारण एक ही है, जिस तरह से सरकार चल रही है, आक्रोश है जनता में और जनता के चूंकि हम जिम्मेवार देखती है तो हम लोग सब आज सड़क पे हैं। उपायुक्त का कार्यालय घेराव एक के केवल संकेत है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, राज्य सरकार तुरंत चेते अन्यथा इस्तीफा दे। जिस तरह का उन्होंने घोषणा किया, आज एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। और ये सबसे हास्यास्पद विषय है कि आप बहुमत की सरकार होने के बावजूद अपने एजेंडे को लागू नहीं कर रहे कि हम लोग मोराबादी में बीते दिनों जिस प्रकार एक बेरोजगार अपने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ, ऐसे कई आत्महत्या के मामले जो संज्ञान में नहीं आ रहे हैं वैसे बढ़ते आत्महत्या के मामलों के विरोध में और बेरोजगारों को जो ठगने का हेमंत सरकार ने काम किया है उसके विरोध में हम लोग उपायुक्त कार्यालय का घेराव किए हैं। इस प्रशासन में भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में, गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में और आए दिन जो फुटपाथ दुकानदारों के साथ और जो गरीब गुरबा के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में आज यह घेराव का कार्यक्रम आयोजित था। भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के बैनर तले हम लोग सभी उपायुक्त कार्यालय का घेराव किए। आए दिन कुछ न कुछ नए नए हथगंडे लेके आते हैं। अभी नया हथगंडा आ गया कि 1 अप्रैल से लाइसेंस का लागू हो रही है। सभी पान दुकानदार को बोला जाता है कि आप लोग लाइसेंस लीजिए, तो लाइसेंस लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद सरकार बोलती है कि आप लाइसेंस लेंगे तो पान सिगरेट बीड़ी अलग बेचिए, पानी कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स बिस्कुट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।